हब नदी में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग के तबादले के बाद 5 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक डाकू जख्मी हालत में भी गिरफ्तार हुआ है। हब से खबर है जहां नदी में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग के तबादले में 5 डाकू गिरफ्तार किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद इब्राहिम से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। हब नदी में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और इस तबादले के बाद 5 डाकू गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद इब्राहिम से बात करेंगे। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। जी, ये डाकुओं के एक ग्रुप के 5 मुस्तफा डकैत हब नदी में वारदात के लिए तैयारी में मसरूफ थे कि इस दौरान उनका सामना हब पुलिस की गश्त पर मामूर एक पार्टी से हुआ। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने डाकुओं से बरवक्त मुकाबला करते हुए एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पेशे नजर फौरी तौर पर तश्कील दी जाने वाली टीम हब पुलिस के एडिशनल SP जया मंदुखेल की निगरानी में के जेरे निगरानी टीम में हब सर्कल पुलिस, हब सिटी थाना के SHO अतालवा रुंजो समेत नफरी ने 1 घंटे से जारी फायरिंग के मुकाबले के बाद गिरोह में शामिल दीगर 4 डाकुओं का घेराव तंग करके उन्हें भी असले समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की फायरिंग से जख्मी होने वाले डाकू भारत को सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इसके दीगर 4 साथियों मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, शुक्रिया आपका।